जल जीवन मिशन के तहत बागबाहरा विकासखंड के ग्राम नर्रा में पानी टंकी एवं आहता निर्माण मारुति नंदन निर्माण एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है, किंतु शासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर किया जा रहा है। नियमानुसार तो यहां आहता निर्माण में फ्लाइएक्स ईट का उपयोग किया जाना था, किंतु यहां मनमानी करते हुए लाल ईट का उपयोग किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। उसी तरह यहां निर्माण कार्य के पहले मटेरियल का जांच हेतु सैंपल निकाला जाता है, उसे भी निकालना उचित नहीं समझा गया। बात करें गांव की गलियों में पाइपलाइन विस्तार का, तो यहां गलियों में पाइपलाइन विस्तारीकरण के लिए गड्ढा खोदकर पाइपलाइन तो बिछाया गया है, लेकिन खोदे गए गड्ढे को ठीक ढंग से समतलीकरण भी नहीं किया गया है, जो कि ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि इस समस्या के बारे में संबंधित अधिकारियों को मौखिक रूप से ध्यान आकर्षण कराया गया है, किंतु अभी तक किसी प्रकार का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। उक्त निर्माणकर्ता द्वारा शासन के नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी एवं गैर जिम्मेदाराना तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, फिर भी इस पर संबंधित अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बहरहाल अब यह देखना है कि इस तरह के निर्माण कार्य में शासन प्रशासन या संबंधित विभाग इस पर क्या संज्ञान लेता है, या वही ढाक के तीन पात वाली बात रहती है। आइए जानते हैं इस बारे में हमारे संवाददाता द्वारा संबंधित अधिकारी से बात करने पर क्या कहा गया। हेलो जी, डकाते सर से बात हो रही है? हाँ जी जी, छत्तीसगढ़ विजन टीवी से बोल रहा था सर। नमस्कार, बताइए। जी सर, ये ग्राम नर्रा में अभी जो पानी टंकी निर्माण हो रहा है जल जीवन मिशन के तहत, हाँ, उसमें बाउंड्री वॉल भी होना है सर जी, तो बाउंड्री वॉल, हाँ ठीक है बोलो। तो उसमें क्या है सर जी, अभी जो शासन के नियमानुसार जो है उसमें फ्लाइएक्स ईटा का उपयोग होना है, किंतु यहाँ लाल ईटा का उपयोग किया जा रहा है सर, उस बारे में कुछ कहेंगे? अच्छा, वो ठेकेदार को बोल सकते हम लोग जी, ठेकेदार को बोल देंगे, उनको काली ब्रिक्स का यूज करना है जी। और जो उपलब्ध है उसके हिसाब से वो लोग करते होंगे अपना दो पैसा बचाने के लिए, अभी मैं उनको ठीक करता हूँ, है कि नहीं? चलो अच्छा हो गया, बता दिए। नर्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ना, चलो ठीक ठीक। महासमुंद से आशीष गुप्ता, सीजी विजन टीवी।